केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के ट्रांसफर कर दिया और इनमें सबसे हैरान करने वाला तबादला है एसीबी चीफ मुकेश कुमार मीणा का। केजरीवाल सरकार से बराबर मोर्चा लेने वाले मीणा को अंडमान भेजा गया है। देखिए दिल्ली में कितने पुलिस अफसर राजधानी से बाहर भेजे गए। मोदी और केजरीवाल सरकार में तनातनी और टकराव के बीच केंद्र के चेहरे के तौर पर उभरे मुकेश मीणा दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया के पद से हटा दिए गए। मीणा का तबादला अंडमान निकोबार किया गया है। मंगलवार को जारी हुए आईपीएस अफसरों के तबादले की लिस्ट में मीणा का नाम शामिल होने से कयास लगने लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को एसीबी प्रमुख बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नई जंग छेड़ने का ऐलान किया था। इसके ठीक बाद मुकेश मीणा को एसीबी प्रमुख के तौर पर तैनाती की गई। केंद्र ने ऐसा दांव खेला कि केजरीवाल सरकार छटपटाती रह गई, लेकिन एक साल के अंदर मीणा को जाना पड़ा। यह खबर तब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई जब ट्रांसफर ऑर्डर निकलने से पहले केजरीवाल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की खबर सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार ने केजरीवाल के दबाव में मीणा का ट्रांसफर किया। सरकार ने 24 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इस लिस्ट में 2005 बैच के आईपीएस प्रेमनाथ भी शामिल हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रेमनाथ सुनंदा पुष्कर रेयान स्कूल में बच्चे की मौत और जेएनयू मामले की जांच कर रहे थे। सरकार ने इन्हें दिल्ली से मिजोरम ट्रांसफर कर दिया है। 1990 बैच के आईपीएस ज्वाइंट सीपी तेजेंद्र लूथरा को दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा गया है। इसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र को भी गोवा भेजा गया है। ये वो अफसर हैं जो दिल्ली में लंबे वक्त से तैनात थे, वैसे जानकारी से रूटीन ट्रांसफर मान रहे हैं। तंसीम हैदर के साथ पुनीश शर्मा, दिल्ली आज तक। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।